गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू क्रॉप सुगरकेन. सुगरकेन को हिंदी में गन्ना बोलते हैं. और हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो अपने इंडिया में क्या क्या यूजेज है इसके, या ऑल ओवर द कंट्री में क्या क्या ये काम में आता है. तो जैसे कि जूस हम प्रीफर करते हैं समर सीजन में, और उसके बाद शुगर बनाने के काम आता है, खांड बनाने के काम आता है, गुड़ जैगरी बनाने के काम में आता है, फ्यूल बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, उसके बाद फोडर के लिए यूज़ में लिया जाता है. सो फर्स्टली अब हम डिस्कस करते हैं बॉटनिकल पार्ट के बारे में. तो साइंटिफिक नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम, और फैमिली की हम बात करें तो पोएसी, और क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें तो 8 का क्रोमोसोम नंबर होता है. ओरिजन की हम बात करें तो इंडिया और न्यू गुनिया. और इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम की हम बात करें तो कैसे होता है, इसमें ओपन पेनिकल होता है, या इसे एरो भी बोलते हैं हम. उसके बाद पोलिनेशन की हम बात करें तो पोलिनेशन कैसा होता है, इसमें सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में इसको ग्रो किया जाता है. तो जनरली इंडिया, ब्राज़ील और क्यूबा, मैक्सिको, पाकिस्तान, चाइना में इसको ग्रो किया जाता है. लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं इसके. और इंडिया में देखो जैसे कि यूपी के पास सबसे ज़्यादा एरिया है शुगर केन का, बट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें पर हेक्टेयर तो तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है. उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो लगभग 19.4 मिलियन हेक्टेयर में ग्रो किया जाता है, जिसका टोटल प्रोडक्शन 1274 मिलियन टन है. और अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो 4.2 मिलियन हेक्टेयर पर इसको ग्रो किया जाता है, और जनरली प्रोडक्शन की हम बात करें 299 मिलियन टन. उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. बेसिकली इसमें 5 स्पीसीज ऑफ, जिसमें 3 को हम ग्रो करते हैं, मतलब 3 कल्टीवेटेड है और 2 वाइल्ड स्पीसीज है. उसमें कौन कौन सी है जो कल्टीवेबल है, सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम साइंसिस, सैक्रम बारबेरी. 3 तो हो गई जिसको हम ग्रो कर सकते हैं फॉर द यूजेज, और 2 वाइल्ड स्पीसीज है, सैक्रम स्पॉन्टेनियम, सैक्रम रोबस्टम. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ शुगर केन. मैं फर्स्ट में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या काम में जनरली शुगर केन में लिया जाता है. शुगर केन जूस इज यूज फॉर गुड खांड. शुगर केन इज द मेन क्रॉप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. द मेन बायो प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्री आर बगसस एंड मोलसस इज मेनली यूज एज फ्यूल. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ पेपर एंड फाइबर क्रॉप्स. मोलासेस यूज इन एल्कोहल, सिट्रिक एसिड, इथाइल एल्कोहल. आफ्टर दैट ग्रीन टॉप्स आर शुगर केन. आर गुड फॉर कैटल. उसके बाद हम सोइल की बात करते हैं कि कैसी सोइल इसके लिए चाहिए. तो सैंडी लोमी टू क्ले लोम सोइल्स, और जो सबसे बेस्ट सोइल मानी जाती है तो ब्लैक कॉटन सोइल मानी जाती है. वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी का निकास में अच्छा होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए उसमें, क्योंकि एक तरीके से इसको ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है इस वजह से. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट की, कैसा क्लाइमेट इसके लिए चाहिए. इट इज़ अ ट्रॉपिकल बट कैन ग्रो इन सब ट्रॉपिक्स इन नॉर्थ इंडिया. उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो है 26 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर अबोव 50 डिग्री सेंटीग्रेड अरेस्ट इट्स ग्रोथ. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड स्लो इट डाउन, रिड्यूस टिलर्स. जब उसके टिलर्स निकल रहे होते हैं तब अगर 20 डिग्री से कम टेम्परेचर जाएगा तो ओबियसली उसकी टिलर्स की काउंटिंग में कमी आएगी. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सोइंग. देखो इसमें लगभग 3-4 प्रकार की शुगर केन, उसको अलग अलग टाइम पर हम सोइंग करते हैं. तो सबसे पहले हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग फेब टू मार्च में अपने को क्या करना है, सोइंग करना है, और हार्वेस्टिंग आफ्टर 9 मंथ्स. उसके बाद अधसाली का मतलब होता है 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल की फसल होती है. जून टू जुलाई इसको ग्रो करना है, और नवंबर टू दिसंबर हार्वेस्ट करना है. और उसके बाद है एक साली,
जनवरी में इसको ग्रो करना है और नवंबर टू दिसंबर में हार्वेस्ट करना है। ऑटम वैसे तो बेसिकली दो अधसाली और एक साली दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑटम को अक्टूबर टू नवंबर ग्रो किया जाता है और वही नवंबर टू दिसंबर वापस उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। टेक्निक्स ऑफ शुगर केन, देखो इसमें क्या क्या थोड़ी बहुत टेक्निक्स है, क्या क्या यूज लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लाइंड हुइंग की। तो सो जनरली शुगर केन क्रॉप्स टेक्स 2 मंथ फॉर जर्मिनेशन, लगभग 2 महीने लेते हैं जर्मिनेशन होने के लिए। आफ्टर सोइंग अंडर ब्लाइंड हुइंग बट बिफोर जर्मिनेशन द एक्शन ऑफ प्रमोट जर्मिनेशन, इसको एक्चुअल में जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए ब्लाइंड हुइंग की जाती है। एंड एट कंट्रोल ऑफ वीड एज कॉल्ड ब्लाइंड हुइंग। ब्लाइंड हुइंग इज शुगर कैन इन शुगर कैन डन आफ्टर 1 to 2 weeks ऑफ सोइंग। नेक्स्ट आता है सोइल प्लांटिंग, सोइल क्लाइम्स टू प्रोटेक्ट शुगर कैन प्लांट्स फ्रॉम फॉलिंग। देखो गन्ने का पौधा क्या हो जाता है, थोड़ा हाइट में ज़्यादा बड़ा होता है, इस वजह से इसको थोड़ा सा गिरने से बचाने के लिए इस पर थोड़ी मिट्टी चढ़ाई जाती है। सो वी कॉल्ड इज सोइल प्लांटिंग। आफ्टर दैट क्रॉपिंग, क्रॉपिंग क्या होता है कि जो पौधे की जो पुरानी पत्तियाँ होती है उसको शुगर केन को उसको बांधने के लिए काम में लिया जाता है। क्लाइड विद द हेल्प ऑफ ओल्ड लीव्स ऑफ शुगर केन प्लांट्स। एम क्या है इसका, स्टेकिंग ऑफ शुगर केन प्लांट, इसको मतलब ये अच्छे से खड़ा रहे शुगर केन प्लांट, इस वजह से उसको आपस में बांध दिया जाता है। उसके बाद डीट्रेसिंग, रिमूविंग ओल्ड एंड अनवांटेड लीव्स। तो इसको डीट्रेसिंग क्यों करते हैं, बेसिकली जो TSS होता है अपना, TSS को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, डीट्रेसिंग करते हैं। TSS को देखने के लिए आपको पता है रिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ में लिया जाता है कि कौन सी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ है। तो COC671, 771, 772, 773, 774, उसके बाद BO90, 99, 102, 120, जहाँ पर भी CO आ रहा है वो कोयम्बटूर से क्या की गई है, विकसित की गई है वो। उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, कैसा फील्ड प्रिपरेशन चाहिए इसके लिए। शुगर कैन रिक्वायर्स अ वेरी नीट एंड क्लीन प्रिपरेशन ऑफ लैंड। शुगर कैन नीड्स डीप टिलेज, 1 क्रॉस प्लाउ, 2 to 3 हैरोइंग टू ब्रिंग द सीड बेड इन टू द फाइन टिल्थ। इसके लिए कैसी टिल्थ चाहिए, फाइन टिल्थ चाहिए। उसके लिए अपने को लगभग 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग करनी है, एक डीप प्लाउइंग करनी है, डीप टिलेज करना है अपने को। उसके बाद सीड सिलेक्शन, हेल्दी सीड मटीरियल फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज लाइक रोट, रेड रोट, विल्ट एंड स्मट। जब भी अपने को सीड सिलेक्शन करना हो, चाहे वो किसी भी क्रॉप के लिए करना हो, तो अपने को 2-3 बातें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। वो पेस्ट फ्री होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। तो सीड सेट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें सीड सेट्स कितने चाहिए अपने को। अगर 2 to 3 बर्ड्स वाला है तो लगभग अपने को 35,000 to 40,000, 35,000 to 40,000 चाहिए। और सिंगल बर्ड वाला अगर हम ले रहे हैं तो 60,000 to 80,000 अपने को चाहिए, लगभग 60,000 to 80,000। और क्वांटिटी हम बात करें तो 75 to 80 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी सीड सेट्स की क्वांटिटी। अब सीड ट्रीटमेंट भी अपने को करना पड़ेगा। द सीड सेट्स आर डिप्ड इन टू 0.5 सोल्यूशन ऑफ एग्लोल बिफोर प्लांटिंग। सीड ट्रीटमेंट इज अ मस्ट। आफ्टर दैट सोइंग, सोइंग के 3 मेथड है इसमें। फर्स्ट है फ्लैट प्लांटिंग मेथड, जनरली फार्मर्स यूज में लेते हैं। देखो इसमें डिस्टेंस रखते हैं 75 to 90 सेंटीमीटर और जो डेप्थ रखते हैं वो 8 to 10 सेंटीमीटर। इन दिस मेथड फरोज आर ओपन विद अ लोकल प्लाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 to 90 सेंटीमीटर। देर शुड बी सफिशियंट मॉइस्चर इन द सोइल एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। द सेट्स आर प्लांटेड इन दैम इन टू इन टेकिंग केयर दैट 3 बर्ड सेट्स फॉर इन ईच रनिंग 30 सेंटीमीटर।
लगभग जो स्पेस रखना है उसका, जब मतलब जब हम बर्ड्स लगाते हैं या सेट्स लगाते हैं तो सेट्स का जो सेंटीमीटर, लगभग 30 सेंटीमीटर का स्पेस रखना है उसमें। और जो हमने फरोज बनाई है उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लगभग 75 to 90 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फरोज आफ्टर दिस फरोज आर कवर्ड विद 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ सोइल एंड फील्ड इज लेवल बाई हैवी प्लेसिंग। 5 से 7 सेंटीमीटर सोइल से अपने को क्या करना है, इसको कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट फरो मेथड। इन दिस मेथड फरोज आर मेड विद अ रिजर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर डीप। सेट्स आर प्लांटेड इन टू द फरोज एंड कवर्ड विद द 5 to 6 सेंटीमीटर सोइल। इमीडिएटली आफ्टर कवरिंग द सेट्स इन वाटर इज लेट इन टू द फरोज। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने बुआई की उसके बाद जस्ट अपने को इरिगेशन देना है। फरोज मतलब उसको नालियाँ बना देते हैं उसमें फरोज। उसके बाद ट्रेंच मेथड आता है। ट्रेंच मेथड में हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी ट्रेंच मेथड मतलब डीप बना पर। दिस मेथड इज सूटेबल वेयर हार्वेस्टिंग इज मैकेनिकली। ट्रेंचेज आर मेड एट द डिस्टेंस ऑफ 75 to 90 सेंटीमीटर। और जो डेप्थ रखनी है उनकी, कितनी डेप्थ रखनी है, लगभग 20 सेंटीमीटर को डेप्थ रखना है उनकी। टू रोज ऑफ डबल सेट्स आर प्लेस्ड इनटू एवरी ट्रेंच एंड कवर्ड विद सोइल वाटर इज लेट इनटू द ट्रेंचेस। सो डन अबाउट द सोइंग मेथड्स। नाउ फर्टिलाइजर्स 120, 60 और 40 के रेशियो में वो क्या करना है, एनपीके प्रोवाइडेड करवाना है। और लगभग 25 से 30 टन अपने को एफआईएम वगैरह प्रोवाइड करवाना है अपने फील्ड को। इरिगेशन, इरिगेशन से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेटिव स्टेज कितने दिनों पर, या जर्मिनेशन फेज कितने दिनों पर होता है, और ग्रांड फेज कितने दिनों पर होता है, और मैच्योरिटी फेज कितने दिनों पर होता है। तो जर्मिनेशन फेज 0 to 60 days फर्स्ट इरिगेशन अपने को देना है। कब, जब जर्मिनेशन फेज है उसका 0 से 60 दिनों के। उसके बाद फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव फेज लगभग कब आता है, जब 60 से 130 दिन का अपना प्लांट रहता है। उसके बाद ग्रांड फेज 130 to 250 days और मैच्योरिटी जो आती है लास्ट में 250 से 365 दिन लास्ट इरिगेशन आपको देना है मैच्योरिटी स्टेज पर। जनरली वीट कौन कौन से, साइप्रस, रोटंडस, एमरेंथस, तो इनको 4D/1 kg इन 500 टू 600 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टर। इट शुड बी अप्लाइड आफ्टर 22 to 25 days आफ्टर प्लांटिंग। और एट्राजिन भी आप यूज़ में ले सकते हो, 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट इन 500 टू 600 लीटर ऑफ वाटर जस्ट आफ्टर प्लांटिंग। और इसमें डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज रेड रोट। आपने देखा भी होगा बहुत सी बार कि गन्ना अंदर से लाल रंग का हो जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कॉज बाय फंगस। रेड रोट किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा, कोलेटोट्रिकम और फैकल्टम। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, जनरली रेड रोट इनसाइड द स्टॉक, स्टॉक्स आर स्प्लिट ओपन। देखो क्या होता है, है उसका स्ट्रोक होता है, उसमें अंदर से आपको लाल लाल सा पूरा कलर दिखाई देगा। द पिट इज फाउंड रेड कलर, द रेड एरिया इज रिजर्व बाय वाइट बर्न्स। कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, रेसिस्टेंट वेराइटीज लगानी है, और फ्री सेट्स यूज में लेने। सो सीड ट्रीटमेंट, ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटीज, डू नॉट यूज डिजीज सीड्स सेट्स। और उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है स्मट। अपीयर इन जुलाई, ये वाला जो सीजन आता है इसमें हमने अपने को शुगर कैन में स्मट देखने को मिल जाएगा। सो स्मट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, द लीव्स ऑफ शुगर कैन अफेक्ट द प्लांट हैव फैन शेप्ड। कैसा हो जाता है, पंखे के जैसे ही उसकी जो पत्तियाँ होती है वो पंखे के जैसे हो जाती है। अरेंजमेंट उसका कैसा हो जाता है लीव्स का,
फैन शेप में हो जाता है एंड स्टॉक बिकम थिक. कैसा हो जाता है? उसका स्टॉक पतला हो जाता है. सो उसको कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट करना है. वो ग्रो रेसिस्टेंट यूज ऑन स्मट फ्री कैंस फॉर प्लांट्स. उसके बाद विल्ट है. विल्ट को आप इसको कोस बाई किसके द्वारा होती है? सेफेलोस्पोरियम सैक्कराई. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? येलोइंग एट द क्राउन लीव्स लेट इन सीजन. द टिश्यू ऑफ स्टॉक्स बिकम ब्राउन एंड रेड कलर. ट्रीटमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए वही ट्रीटमेंट करो, ग्रो रेसिस्टेंट वैराइटीज. और उसके बाद इंसेक्ट की हम बात कर लेते हैं. इंसेक्ट में अर्ली शूट बोरर, रूट बोरर. इसको कंट्रोल करने के लिए 5 लीटर गामा BSC 20 EC इन 500 लीटर ऑफ वाटर ओवर से कैंसाइड एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग. और कंट्रोल मोनोक्रोटोफोस हम यूज में ले सकते हैं 1.5 लीटर लीटर में डिजोल्व करके. इसको जब भी इसके एग्स दिखने लगे तब उस टाइम पर अपने को स्प्रे करना है. उसके बाद पायरीला है. पायरीला को कंट्रोल करने के लिए मेलाथियन का स्प्रे करना है आपको. 1.25 लीटर लेना है मेलाथियन. उसको डिजोल्व करना है 1000 लीटर ऑफ वाटर में और पर हेक्टेयर आप उसको यूज में ले सकते हो. हार्वेस्टिंग, देखो हार्वेस्टिंग को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि हार्वेस्टिंग की कौन कौन सी स्टेज है, उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे. उसको हम फिजिकल मेथड से यूज ले सकते हैं. हम उसको बाय द जैसे कि अपना रेफ्रेक्टोमीटर हो गया, उससे हम यूज़ में ले सकते हैं उसको. फिजिकल मेथड हम क्या करते हैं, जनरली देखते हैं उसको बजा कर देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी टन टन की जैसे कि आवाज़ आती है इसका मतलब. और थोड़ा सा उसकी जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें बढ़िया जूसी हो जाता है. तो अपने को ऐसी चीज़ें देखनी है जिससे अपने को जनरली कि भी मैच्योरिटी स्टेज आ गई है इसको और हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है. हार्वेस्टिंग करते अपने को 2-3 बातें ध्यान रखनी है क्योंकि ये केस क्रॉप है, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. अपने को जनरली मान लो कि मार्केट में सेल करना है तो उसके लगभग 5 से 7 दिन पहले अपने को हार्वेस्ट करना है इसको. ऐसा नहीं है कि हम इसको स्टोर करके रख लेंगे 2-4 महीने के लिए, वो नहीं कर सकते हैं. जनरली फार्मर्स जैसे अभी गर्मियों में शुगर केन का गन्ने का जूस के लिए इसको अच्छी प्राइस मिलती है, तो इस वजह से इसको ऐसी टाइम पर हार्वेस्टिंग करें जब मार्केट प्राइस अच्छी हो. और इसकी अगर हम यील्ड की हम बात करें तो लगभग 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड हो जाती है. इन नॉर्थ इंडिया शुगर कैन बाई अबाउट अर्ली दिसंबर बट द शुगर कंटेंट ऑफ जूस कंटिन्यूस टू राइज टिल अबाउट द एंड ऑफ मार्च. ये मार्च वाला जो सीजन आता है इसमें मतलब बढ़िया सा जूस क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है. और इसमें एक और प्रैक्टिस की जाती है, उसको हम बोलते हैं रेटोनिंग. रेटोनिंग आप सब जानते हो कि नीचे का स्टॉक को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं फील्ड में. जो नीचे वाला जो सबसे पार्ट होता है उसको फिर से ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है फील्ड में. देखो रेटोनिंग फिर से मतलब उस पौधे को उगाना. तो इसके लिए रेटोनिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार रेटोनिंग ले सकते हैं. उससे ज़्यादा बार लेना थोड़ा क्या होगा, आपकी डिक्रीज होती जाएगी. तो रेटोनिंग लेने के लिए अपने को क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स डबल करनी पड़ती है. और मैनेजमेंट प्रैक्टिस में जैसे कि अपने टिलेज हो गया, इन सब चीज़ों का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शुगर केन. थैंक यू वेरी मच.